अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आयजा साइबेरी की न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम जब भी मार्केट से बर्ड खरीदते हैं तो बर्ड किस तरह से खरीदें, मार्केट से या ब्रीडर से, जिस भी खरीद रहे हो तो हम बर्ड को किस तरह खरीदें, यानी बर्ड कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो सीधे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं कि बर्ड खरीदते हो किस बात का ख्याल रखें। अब जिस किसी से भी बर्ड ले रहे हो, चाहे वो आपका भरोसे वाला ही बंदा क्यों ना हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पैसे लगा रहे, अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे, तो आप अपने बर्ड जो भी ले रहे तो उसको सही से देख कर, हेल्दी है, क्वालिटी उसकी, ये सब देख कर ही बर्ड को खरीदे। तो जब भी आप खरीदें तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बच्चे ही खरीदें, ये जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 3 महीने के या 4 महीने के या सेमी एडल्ट, यही खरीदें, एडल्ट ना खरीदें, जितना हो सके एडल्ट खरीदना छोड़ दें। क्योंकि बच्चे, जब भी हम बच्चे खरीदते हैं तो अपने यहाँ पर वो सही तरीके से सेट हो जाते हैं, और एडल्ट ना खरीदें। कि एडल्ट में क्या होता है अक्सर के जो भी जिस बंदे के पास ब्रीडर पेयर होता है वो अपना ब्रीडर पेयर क्यों सेल करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को सोच ले कि कोई भी बंदा जिसके यहाँ पर उसका बर्ड अच्छे तरीके से ब्रीड कर रहा है, उसको 3-4 बच्चे निकाल के दे रहा है, तो वो बर्ड क्यों सेल करेगा। हाँ, एकादा हो सकता है कि उसे पैसे की ज़रूरत हो इसलिए पेयर सेल कर रहा हो, लेकिन मोस्टली जो कॉमन बात होती है कि वो पेयर अच्छा ब्रीड नहीं कर रहा होता इसलिए ही सेल कर रहा होता है। तो इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई भी बर्ड खरीदे, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, बच्चों को ही खरीदे, कि सेमी एडल्ट या फिर जो छोटे चिक्स होते हैं उन्हें ही खरीदे और रखे। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं कि बर्ड्स में किन बातों को देखे खरीदते वक्त। अब जिस किसी के पास से भी ले रहे हो, चाहे पेट शॉप में से ले रहे हो या किसी ब्रीडर के पास से ले रहे हो, तो बर्ड्स में किस बात को देखे कि बर्ड कैसा होना चाहिए। तो सब में पहले जो देखने वाली बात होती है कि बर्ड की साइज, मतलब जो अभी ये मेरे हाथ में एक कॉकटेल है, अब इसकी साइज़ देख सकते हो, ये 3 से 4 महीने का बच्चा है, तो आप इसकी साइज़ वगैरह देख सकते हो, इसकी साइज़ से आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो सब में मेन पॉइंट आता है, जो सब में ज़रूरी बात आती है, कि आप बर्ड को कोई बीमारी ना हो, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो बीमारी होती है लूज़ मोशन ही होती है बजिस वगैरह में, तो वो सब देखकर बर्ड को खरीदें। अब लूज़ मोशन आपको कैसे समझ में आएंगे, तो बर्ड की वेंट जो होती है, अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये मेरे सारे टाइम है, बहुत परेशान करते हैं। ये जो वेंट होती है, जो पॉटी करने की जगह होती है, उसको देख लें, अगर वो गीली होंगी तो उसको लूज़ मोशन है। अब इसकी वेंट देख सकते हैं, बिल्कुल सूखी है, यानी इसे कोई लूज़ मोशन नहीं है, ये देख कर ही ले। अगर लूज़ मोशन होंगे तो लेना तो अवॉइड करें, अगर आप लूज़ मोशन का ट्रीटमेंट अच्छे से जानते हैं तो ही उसको ले, क्या आपको श्योरिटी है कि आप उसको लेकर ठीक कर सकते हो तो ही ले, वरना उस बर्ड को छोड़ दे। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ देखने को आना चाहिए वो है ये है कि बर्ड की हड्डी, क्या आप इस बर्ड को देख सकते हैं कि इसके सामने की जो ये वाली हड्डी होती है सीने पे की, चेस्ट पे की, वो वाली हड्डी बाहर निकली हुई ना हो। अगर वो वाली हड्डी बाहर निकल इस साइड की, ये सामने की जो चेस्ट दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर कोई हड्डी निकली आई हो तो उस बर्ड को न ले। और फिर उसके बाद बर्ड्स के नेल्स और उसकी बीक को देखें, एक मिनट। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं, वहाँ पर वो मेरे सारे टेम बर्ड्स थे, वो बहुत परेशान कर रहे थे और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नेल्स और उनकी बीक की, जो उनकी चोच होती है, अगर वो ज़्यादा बड़ी हुई हो या उनके नेल्स ज़्यादा बड़े हुए हो तो भी बर्ड्स को ना खरीदे, ये कैल्शियम डिफिशेंसी की वजह से होता है, इसलिए उस बर्ड को भी ना खरीदे। और इसके बाद जो आगे का पॉइंट है, तो वो एक्चुअली होता है लवबर्ड्स में, अफ्रीकन लवबर्ड्स में जो आपको सामने दिख रहे हैं, इनमें जो सब में कॉमन जो बीमारी है वो आई इन्फेक्शन की है।
तो इसलिए आप जब भी बर्ड खरीदे आए, यानी खास तौर पर अफ्रीकन, तो इस बात का ख्याल रखें कि उसकी आइस पर कुछ मतलब फोड़ी या कुछ दूसरा यानी लाल वगैरह न हुई हो, तो उस बर्ड को इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए आप उसकी आइज़ अच्छी तरह से चेक कर ले कि उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह कुछ दूसरा मतलब हो, आइज़ में रेडिश वगैरह कुछ ना हो, आँख से पानी ना निकल रहा हो, ये सब सारी चीज़ें देखकर आप उसको ले। अगर उसकी आइज़ इन्फेक्टेड होंगी तो वो बर्ड बिल्कुल भी ना ख़रीदें। एक पॉइंट बताना रह गया दोस्तों कि आप जब बजिस या दूसरा कोई बर्ड लेते हैं ब्रीडर या फिर बड़ा, या मैंने बड़ा लेने से तो मना ही किया है, लेकिन फिर भी कोई कोई होता है कि जिसे ब्रीडर ही चाहिए, एडल्ट ही चाहिए, तो उसमें एक बात ये देखनी चाहिए कि जो उसकी चेस्ट होती है, आपको मैं बजिस में बताता हूँ, ये मेरा एक मेल, आप इसकी चेस्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन है। कुछ कुछ बर्ड्स में ऐसा होता है कि मतलब बजिस में क्या एडल्ट होने के बाद उसे छोटी जगह में रखने की वजह से उसकी चर्बी निकल आती है, उसकी चेस्ट पर एक मतलब नरम नरम ऐसी चर्बी निकल आ जाती है, जिसकी वजह से बर्ड ब्रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फीमेल में उसकी चर्बी उसके वेंट पर निकलती है, कि आप उसकी वेंट को देखें कि अगर उसकी वेंट फूली भी हो, चर्बी मतलब चर्बी चर्बी आपको लग रही हो, बहुत ज़्यादा फूल जाती है, आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल है। और एक बताता हूँ आपको, ये एक मेल है, आप इसकी चेस्ट देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। जिस बर्ड को चर्बी लगी हुई होती है कि वो भी ब्रीड करने में प्रॉब्लम देता है, तो उस तरीके का भी कोई बर्ड ना ले। आप इसको भी देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन, अगर चर्बी लगी हुई हो। ये मेरे सारे टेम बर्ड्स मुझे बहुत परेशान करते हैं कॉलोनी में आने के बाद, तो उस तरह के चर्बी लगे हुए बर्ड्स भी बिल्कुल भी ना ले। हाँ, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि वो बर्ड ना ले। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ गए हो। जितना मुझे समझ में आ रहा था, जितना मेरा नॉलेज में, उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको और कुछ पूछना हो या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि मतलब प्राइस वगैरह के हिसाब से, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बजिस से लेकर जो बड़े बड़े मतलब कनूर्स वगैरह या फिर उससे भी ऊपर ग्रे वगैरह तक के जो भी अभी फ़िलहाल जो प्राइजेस शुरू है मतलब इंडिया में सिटी वाइज या फिर अपने एरिया में, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, बस करते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।